श्रावण मास की अंतिम सोमवारी को लेकर भागलपुर के तमाम शिवालयों और मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटती रही, जहां अहले सुबह से ही भोलेनाथ को जलाभिषेक करने श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। इस दौरान शिव भक्तों ने देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक करते हुए माता गौरी की पूजा अर्चना की और अपने मनोवांछित फल की कामना भगवान शिव और माता पार्वती से की। भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बृद्धेश्वर नाथ मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, नर्मदेश्वर नाथ मंदिर, दिनेश्वर नाथ धाम, कुपेश्वर नाथ महादेव समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और श्रृंगार पूजन किया, जबकि सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिरों और शिवालयों को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया। वहीं बूढ़ानाथ समेत सभी प्रसिद्ध मंदिरों में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, जबकि इस दौरान पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए सुरक्षा एवं पूजन के लिए विशेष इंतजाम की व्यवस्था की गई थी। इधर सोमवारी को लेकर महिला और पुरुषों के साथ युवक युवतियों की भारी भीड़ मंदिरों में दिखी, जहां मंदिर समेत उसके आसपास का इलाका भी भगवान शिव की भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। बता दें कि जलाभिषेक के साथ काफी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवारी का व्रत भी रखते हैं, जबकि मुख्य मंदिरों के अलावा भी तमाम छोटे मंदिरों में भी महादेव के पूजन के लिए श्रद्धालु की भीड़ दिखी। इसको लेकर सभी मंदिरों में भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया गया, जहाँ पूरा मंदिर परिसर आसपास का इलाका भोलेनाथ के भजन और भक्ति गीतों से गूंजता रहा। एक ओर जहाँ शिवालयों में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजन किया गया, वहीं महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन कर भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की गई। इसके अलावा गोनू बाबा धाम, बटेश्वरनाथ, धनकुंड नाथ महादेव मंदिर समेत आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी पूरे भक्ति भाव से हर आयु वर्ग और लिंग के श्रद्धालुओं ने पूजन करते हुए हर हर महादेव और बोलबम का जयकारा लगाया। सावन माह में मनाए जाने वाले झूलनोत्सव को लेकर जिले के राधा कृष्ण मंदिरों और ठाकुरवाड़ी में झूलन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको लेकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और राधा कृष्ण दरबार को आकर्षक रूप से सजाया गया है, जबकि रंग बिरंगी लाइट और झालर के साथ कृत्रिम एवं वास्तविक फूलों से भी कान्हा के दरबार को सजाया गया है। भागलपुर के मुंदीछप, गिरधारी सहट या भोलानाथ समेत शहर के विभिन्न मंदिरों और ठाकुरवाड़ी के अलावा घरों में भी झूलनोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर बांके बिहारी और राधा रानी की आराधना की गई। वहीं भागलपुर सुल्तानगंज घाट रोड स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा आत्मा रामदास ठाकुरवाड़ी में धूमधाम से राधे कृष्ण का झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर आत्मा रामदास ठाकुरवाड़ी के महंत कश्यप दास एवं ठाकुरवाड़ी प्रबंधक नरेंद्र प्रताप चौधरी ने कहा कि सुल्तानगंज स्थित 124 वर्ष पुरानी ठाकुरवाड़ी मंदिर में हर वर्ष सावन में राधा कृष्ण का झूलन उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जो 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा के दिन संपन्न होगा। साथ ही बताया गया कि झूलन उत्सव में प्रतिदिन प्रसाद वितरण किया जाता है, जबकि 29 अगस्त की संध्या 7 बजे भव्य भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ आत्मादास ठाकुरवाड़ी मंदिर में राधा कृष्ण का विशेषकर यहाँ ये मंदिर है और हमारी मंदिर की स्थापना 22 फरवरी 1899 को हुई थी। आज लगभग 124 वर्ष हो रहे हैं। इस मंदिर में हर वर्ष झूलन का उत्सव राधा रानी का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ विशेषकर इसकी पूजा, महाआरती अर्चना और भक्त लोग अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं। सुल्तानगंज शहर में बाबा की नगरी में ये विशेष राधा कृष्ण का सबसे पुराना और भव्य मंदिर है। यहाँ झूलन उत्सव हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल, दार्जिलिंग सहित आसपास के इलाकों से लाखों शिव भक्तों ने बाबा अजगैवीनाथ को उत्तर वाहिनी गंगा का जल चढ़ाया, जबकि इससे पूर्व कांवरिया और सोमवारी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अजगैवीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ के कारण श्रद्धालु
पांडवों को पूजा अर्चना करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसको लेकर सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन के निर्देश पर मंदिर में पुरुष और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसकी निगरानी में कतारबद्ध होकर सभी शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। इधर अजगविनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है, जबकि सावन की अंतिम सोमवारी होने के कारण भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को गंगा जल, दूध, फूल, फल, द्रव्य समेत कई प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाकर पूजा करने के साथ मनोकामना पूर्ति के लिए भी कामना की। एक ओर जहां अजगविनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही, वहीं दूसरी ओर उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल लेकर हजारों की संख्या में कांवरियों का जत्था बोलबम के जयकारे के साथ कच्ची कांवरिया पथ से देवगढ़ बाबा धाम के लिए रवाना होता दिखाई दिया। श्रावण का अंतिम सोमवार आठवां, जैसे चौथा चार सोमवार जो है मलमास का गया और चौथा ये है, तो आठवां सोमवार माना जा रहा, वो भी शुद्ध सोमवार है और प्रदोष का भी है और सोमवारी भी है, और श्रावण का अंतिम सोमवार है और प्रदोष होने के नाते ज़्यादा ही शुभ लोग मानते हैं, और तमाम माताएं बहनें और बेटियां जो हैं अपना सोमवारी व्रत वगैरह पूजा पाठ करती हैं, शुभ दिन है, और इसके लेकर के जो है बाबा अजगविनाथ में भी अच्छी है और सुविधाएं भी ठीक है, प्रशासन भी लगा हुआ है और हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है, और सुख शांति से निपट जाएगा। बाबा अजगविनाथ से यही प्रार्थना है, सरगर नगर वासियों को भी शुभ आशीष आशीर्वाद में देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है, गोड्डा जिला मेरा घर है। डायबिटीज से पूरा परेशान रहते थे हम, अंग्रेजी दवाई खाते थे, जब खाते थे तो कम होता था फिर बढ़ जाता था। तो एक दिन हम यूट्यूब में सर्च करते करते देखते हैं तो एक ही रॉय भागलपुर डॉक्टर साहब दिखाए, उसमें यहाँ देखे शुगर जड़ से ख़त्म हो जाता है, वो भी आयुर्वेदिक दवाई से। उसके बाद हम आए ट्रीटमेंट कराएं, एक सप्ताह कराएं, उसके बाद घट गया शुगर। उसके बाद लास्ट में खाना दवाई 3 महीना खाने के बाद सब छोड़ दिए, दवाई वगैरह खाने छोड़ दिए। उसके बाद चावल रोटी सलाद ये सब खा के चेक कराने के बाद 141 मेरा आया और आज ठीक हो गया। इसीलिए सबको कहना है कि जिनको भी डायबिटीज पेशेंट है वो आके यहाँ दिखाइए, कन्फर्म एकदम ठीक हो जाइएगा। 21 दिन से मेरा दवा बंद है और फिर भी जांच कराएं, सलाद रोटी चावल और उसके बाद फिर से हम जांच कराएं तो 141 रिपोर्ट आया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भाग
भागलपुर के पीरपैती इसीपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर महिला की चाकू घोप कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला की पहचान श्यामपुर गांव निवासी मुन्ना शाह की पुत्री खुशबू देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका खुशबू के पिता मुन्ना शाह ने बताया कि शुक्रवार की शाम जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई संतोष ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद संतोष शाह ने पत्नी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस बीच अपनी मां पर चाकू से हमला होता देख बेटी बचाने पहुंची तो उस पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी संतोष मौके से फरार हो गया। मुन्ना शाह ने बताया कि घर में पत्नी और बेटी को घायल देखकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इसीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छुट्टी को अपने से फोन आया था, उससे बात करते थे। अब मेरा लड़की चाय पीता था, चाय पी बाहर उधर से आया गाली गलम कर। कौन आया? हमको भैसूर आया तो हम सब बोले कि मेरा लड़की बोला कि मेरा मम्मी काय गला गाली करते हैं। ऐसे बोला था हमको, पेट लड़की को गला दबने लगा, लड़की का लड़की दबने लगा था। वो उसको हम बोले हम उठाए हैं तो बोले हम मारेंगे, तो नहीं मारने सके ना तो हमको चक्कू बोल दिया और पीछे से पांच जगह भोग दिया। माता हम बोल दिया ये बोल दिया, हम बेहोश हो गया। हम तो इतने दर तक जाने फिर लड़का को फिर हमको छुरी भोगने खोजता था, बोला कि हम काट देंगे इसको, हम नहीं रखे थी करेंगे इसको बचाने में। हमको लड़की को जान मार दिया। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। बताया जा रहा है कि नौगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान मिनीगन फैक्ट्री से काफ़ी मात्रा में हथियार बनाने के औजार और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि हाल ही में हथियार तस्करी के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए अभियुक्त मुकेश ठाकुर के घर पर हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जहां पुलिस की छापेमारी में देसी कट्टा, 10 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, बैरल, अर्धनिर्मित बैरल, ट्रिगर गार्ड और खोखा के साथ कई सामग्री बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने बताया कि मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसे न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। ये अचीवमेंट कल का है, कल 26 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अभी हाल फिलहाल में मार्च में हम लोग मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किए थे, उसके एक एक्यूज थे जो जेल से बेल पर बाहर आए हैं और अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिए। सूचना के अनुसार एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाया गया, जिसमें एलटीएफ के प्रभारी जयप्रकाश पंडित थे और हमारे बजरा टीम के प्रभारी शिव प्रसाद रवानी थे, एसएचओ खुद थे। और हमारे निर्देशन में ये टीम रेड करने के गई, वहाँ पर हथियार बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मुकेश ठाकुर है। मार्च में भी जेल गया था और जस्ट जेल से बाहर आया था, और उनके घर में ही यह फैक्ट्री चल रही थी, जिसको मिनी गन फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ अर्धनिर्मित चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और हथियार बनाने के जितने जो ऑपरेटर्स हैं वो सामान मिले हैं। और इनके पास से जो हम लोगों ने जो रीड किया कि एक तो कि एक पूरी यूनिट के साथ एक बना रहे थे और दूसरा यूनिट ये छुपा के रखे थे, ज़मीन में गाड़ के रखे थे। उसका हमारे पास वीडियो भी है कि हम लोगों ने खोज के उसको प्लास्टिक के एक बड़ा सा जार में सारा सामान को रखे थे। सेकेंड वाला पार्ट कि अगर पहला वाला पार्ट हमारा पकड़ में आ जाता है तो फिर हम सेकेंड वाले से काम स्टार्ट कर देंगे।